नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। अखिल भारतीय तेरापंथी महिला मंडल के द्वारा मनाया गया अमृत महोत्सव। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में तेरापंथ महिला मंडल भागलपुर द्वारा नया बाजार स्थित तेरापंथ उपासना कक्ष में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा साध्वी प्रमुख श्री कनक प्रभा जी के मनोनय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महासुमन जी ने उन्हें शासन माता से संबोधित कर अलंकृत किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती मालू के मंगलाचरण के द्वारा किया गया। वहीं महिला मंडल की अध्यक्षता श्रीमती सपना मालू ने साध्वी जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दीर्घायु होने की मंगल कामनाएं की। इस अवसर पर एक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें वक्ताओं ने भाषण, कविता एवं गीत के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किए। मंच संचालन मंत्री श्रीमती महक बैताला द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में श्रीमती सरोज बेहरा, अनीता वैद, मानक देवी, राजू वैद, मीनू वैद, ऋचा वैद, शोभा देवी वैद के साथ साथ काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। उनके विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, इसका अगर मैं बोलूं तो मेन मतलब ये होता है जो अशुद्धता हटाती है, उनके अंदर इतना गुण है कि वो अशुद्धता को हटाती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा उपाधि अगर एक महिला को मिल रहा है हमारे जैन धर्म संघ की, जिन्होंने इतने दिन अपना कार्य, अपना योगदान, इतनी निष्ठा अतुल्य। पिछले दिनों पूज्यवर द्वारा हमारे असाधारण साध्वी प्रमुखा सिंह जी को सासन माता के विशेष संबंधित संबोधन से संबोधित किया गया है। हम महिला मंडल भागलपुर की ओर से गुरुदेव के प्रति आपकी कृतज्ञ व्यक्त करते हैं एवं सासन माता साध्वी प्रमुखा सिंह जी के स्वास्थ्य एवं लॉन्ग लिव होने की बहुत बहुत मंगल कामनाएं एवं शुभ कामनाएं करते हैं। ओम।